यहाँ पर देखिए, ये प्रेस क्लब के बाहर की ये तस्वीर है। यहाँ पर ये देखिए बांग भी जो है वो रेडी है, जिसे अब शरदाई भी कहते हैं। और ये बांग के पकोड़े जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए, ये गर्मा गर्म बांग के पकोड़े की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आपको बता दूँ, ये देखिए, ये बांग की अगर बात करें हम शरदाई कहते हैं, उसको भी यहाँ पर तैयार किया गया। जी का प्रसाद है, बोले बाबा जी का। अच्छा, आज उनका बरात है। अच्छा, मशादी है उनकी, आज बरात आने वाली है। अच्छा, उनका वेलकम के लिए वेलकम ड्रिंक्स तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? वेलकम ड्रिंक्स है ये, वेलकम ड्रिंक्स है जी, वेलकम ड्रिंक्स। जब भूत प्रेत आएंगे बाबा जी के साथ उनकी शादी पे। अच्छा, आपने टेस्ट किया अभी तक? जब करेंगे नहीं तो क्या फायदा किसी को करवाने का। अच्छा अच्छा, पहले आपने टेस्ट कर ली है, कैसी बनी है? टेस्ट करेंगे तभी तो असर करेगी। क्या ठीक बनी है, अच्छी बनी है? ये तो आप ट्राई करोगे तभी पता लगेगा। ये क्या क्या डाला इसमें आपने? इसमें सबसे पहले तो बाबा जी का डमरू है इसके बीच में। अच्छा, शरदाई के बीच में। अच्छा, अगर आप देखना चाहो तो मैं शो करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाबा जी का डमरू है बीच में। अरे वाह, शुक्र करो। ये बाबा जी का क्या है? ये बाबा जी का हाफ डमरू है। अच्छा, अगर बाबा जी का फुल डमरू हो गया ना तो जितने लोग इधर खड़े हैं ना, अच्छा, ये खड़े नहीं होंगे, लेटे होंगे। अच्छा, मतलब ये लंगर जो है वो बाबा के बारातियों के लिए यहाँ पर लगाया गया। और बाबा की आज बारात जो है वो आज निकलने वाली है, क्योंकि आज के दिन ही बताया जाता है कि भगवान शिव की आज के दिन ही विवाह हुआ था। और यहाँ पर देखिए, ये प्रेस क्लब के बाहर की ये तस्वीर है। यहाँ पर ये देखिए बांग भी जो है वो रेडी है, जिसे अब शरदाई भी कहते हैं। और ये बांग के पकोड़े जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए, ये गर्मा गर्म बांग के पकोड़े की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आपको बता दूँ, ये देखिए, ये बांग की अगर बात करें हम शरदाई कहते हैं, उसको भी यहाँ पर तैयार किया गया, क्योंकि बोले के बाबा प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं आज के दिन को लेकर। और ये देखिए, यहाँ पर जो हलवाई भैया हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर बांग के पकोड़े जो है वो यहाँ पर बनाए, जो जो ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। उनका इस बात को लेके क्या कहना है सर? ये क्या है, आप इसको क्या कहते हैं? इसको ये बाबा जी का प्रसाद है, बोले बाबा जी का। अच्छा, आज उनका बरात है। अच्छा, मशादी है उनकी, आज बरात आने वाली है। अच्छा, उनका वेलकम के लिए वेलकम ड्रिंक्स तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? वेलकम ड्रिंक्स है ये, वेलकम ड्रिंक्स है जी, वेलकम ड्रिंक्स। जब भूत प्रेत आएंगे बाबा जी के साथ उनकी शादी पे। अच्छा, आपने टेस्ट किया अभी तक? जब करेंगे नहीं तो क्या फायदा किसी को करवाने का। अच्छा अच्छा, पहले आपने टेस्ट कर ली है, कैसी बनी है? टेस्ट करेंगे तभी तो असर करेगी। क्या ठीक बनी है, अच्छी बनी है? ये तो आप ट्राई करोगे तभी पता लगेगा। ये क्या क्या डाला इसमें आपने? इसमें सबसे पहले तो बाबा जी का डमरू है इसके बीच में। अच्छा, शरदाई के बीच में। अच्छा, अगर आप देखना चाहो तो मैं शो करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाबा जी का डमरू है बीच में। अरे वाह, शुक्र करो। ये बाबा जी का क्या है? ये बाबा जी का हाफ डमरू है। अच्छा, अगर बाबा जी का फुल डमरू हो गया ना तो जितने लोग इधर खड़े हैं ना, अच्छा, ये खड़े नहीं होंगे, लेटे होंगे। अच्छा, मतलब इतना इतना ही इतनी शक्ति है बाबा जी के डमरू में। ये कापर का डमरू होता है। अच्छा, जब हम लोग शरदाई बनाते हैं ना, हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो बंग को उबाला जाता है। अच्छा, जब हम बंग को उबालते हैं ना तो जो कापर का ना गड़बा उसमें डाल देते हैं, ठीक है, पानी में, ठीक है, ताकि इसका जो असर होता है डबल डबल हो जाता है, तीन गुना ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, फिर उसका जो पानी होता है तो पानी इसमें डालते हैं, जो उसकी फोक होती है वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डलता है। अच्छा, खसखस डलती है। अच्छा, काजू डलता है, ड्राई फ्रूट डलता है इसमें। हर एक इंतजाम किया हुआ अपने अपने इस ड्रिंक में। उसके बाद दो किस्म की भांग होती है। अच्छा, एक तो फ्रेश होती है, फ्रेश में भी दो क्वालिटी होगी। अच्छा, एक कच्ची भांग होती है, पक्की भांग होती है। अच्छा, हमको पक्की भांग देखना पड़ता है कहाँ क्वालिटी वाइज, ठीक है। जो पक्की भांग होती है पूरी तैयार हो जाती है, अपने रूम में होती है, ठीक है ना। जो कच्ची भांग होनी है वो असर नहीं करती है। अच्छा, उसके बाद एक सूखी भांग होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सूखी भांग में डालते हैं। अच्छा, तो कच्ची भांग को उबाल के उसका पानी डालते हैं, पानी में डाल देते हैं। अच्छी बनी है अपने। हाँ, तो जो उसके पत्ते होते हैं उनके पकौड़े बनाते हैं, वो पकौड़े बन रहे। अच्छा, ये पकौड़े बन रहे हैं, ये भांग के पकौड़े। अच्छा, तो ये दोनों खिलाओगे? हाँ खिलाएंगे। मैं आप खाओगे तो शाम को रिजल्ट पता लगेगा, मीडिया में दे दोगे। तो आपने टेस्ट की ना अभी तक? बिल्कुल सर, टेस्ट की है तो तभी तो आगे सप्लाई करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो बराती नाराज मतलब हो जाएंगे। बरातियों के लिए हर एक व्यवस्था आपने की है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बरातियों के लिए हर एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बराती बांग के पकौड़े खाना चाहते हैं उनके लिए बांग के पकौड़ों की व्यवस्था की गई है। जिन्होंने हलवा पूरी खा रहे हैं उनके लिए हलवा पूरी की व्यवस्था की है। देखिए भाई, किसी भी वक्त को यहाँ पर नाराज नहीं किया जाएगा। मेरे साथ बोले के वक्त और देव ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद है। देव, आप क्या सर्व कर रहे हो बारातियों के लिए? हलवा। हाँ जी, हलवा 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 कर रहे हो?
तो बांग के पकौड़े भी बनाए गए यहाँ पे तो? हाँ बिल्कुल प्रसाद देंगे सब। मतलब कि किसी भी भक्त को आप नाराज नहीं करो, जो बांग के पकौड़े खाएगा उसके लिए बांग के पकौड़े। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद सबको मिलेगा, कोई यहाँ से अगर भोले के भक्त नाराज हो गए तो फिर मेरे हिसाब से तो जीना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी बरातियों के साथ भूत प्रेत भी आएंगे, बहुत सारे अतिथि प्राणी यहाँ पर आएंगे, सबके लिए व्यवस्था है। अच्छा आप क्या बांट रहे हो? होली देना हलवा। हलवा बांट रहे हो? तो वो जो बांग के पकौड़े कौन बांटेगा? वो हमारे भाई जी बांट रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं। अच्छा बांट रहे हैं, ठीक है। और हलवा हम बांट रहे हैं, हम लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं जो हमारे भक्त आए हैं शिवरात्रि के दिन। सनी जी आप क्या बनकर बराती बनकर आए हो कि जहाँ सेवा करने के लिए यहाँ पर आए? हम सब इन लोगों के साथ आए हैं, यहाँ मीडिया वालों ने मिलके ये बड़ा अच्छा काम किया। देखो महाशिवरात्रि पे सभी मीडिया भाइयों ने मिलके यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था की थी, मुझे भी बुलाया था, मैं भी आया इनके साथ। मगर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की मीडिया ने आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक, मतलब आप सभी जानते हैं मीडिया वालों की सैलरी कितनी होती है, मगर इन्होंने सबने अपनी कंट्रीब्यूट करके ये एक जहाँ पे लंगर जो लगाया है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे भाइयों का, क्योंकि ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं और मुझे बड़े, मैं आज इतने बड़े पर्व पर इन्होंने ये लंगर की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है। और हम तो बराती भी हैं, खाने वाले भी हैं, खिलाने वाले भी हैं। ये खाने वाले तो आपके साथ हैं। महिंदर जी क्या खाया अभी आपने? ये महिंदर सिंह जी हैं। आप हलवे में बिजी हो, आप कोई नहीं लगा कोट क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शौकीन है ना, ये मीठा खाने के बहुत शौकीन है, सुबह के इन्होंने बिना कुछ खाए घर से निकले थे। अच्छा आज ये पूजा करते हैं पूरा दिन। अच्छा शिव जी भगवान की, हमारे किसी जमाने में डीएसपी साहब होते थे शैली सिंह जी, आज हम उनको याद करते हैं। वो आप शंभू मंदिर में पूजा करते थे पूरी रात महाशिवरात्रि पर, तो महिंदर सिंह जी साथ जाते थे। अच्छा मुझे आज भी याद है, मैं भी एक दो बार उनके साथ गया हूँ वहाँ पर आप शंभू मंदिर में। तो आज ये वही रूटीन चलती आ रही है, सुबह बिना खाए निकलते हैं और प्रसाद से ही जो है अपना मुंह जूठा करते, अपना मुंह जूठा करते। क्या बात है, इनको कोई परेशानी नहीं, कौन क्या बोल रहे हैं, इनको सिर्फ प्रसाद खाने पे व्यस्त है। ये खाने के शौकीन है ना, ये मुझे लग रहा है बाराती यहाँ पर आए हुए। ये देखिए, अच्छा ये देखिए हमारे मीडिया कर्मी भी यहाँ पर लाइन पे लगे। आप बाराती बन के आए यहाँ? क्या बराती लगा ले, पर हम लंगर में शामिल है जी। आए बहुत अच्छा लंगर लगाया है मीडिया वालों ने मिलजुल के, कड़ा लगाया हुआ है, पकोड़े लगे हैं, श्रद्धाई लगी है। अच्छा शायद कुछ और भी बन रहा है पीछे, गर्म गर्म पकोड़े मिलकर। क्योंकि बाबा की बारात में तो हर किस्म के लोग आएंगे, बांग खाने वाले भी आएंगे, पूरी चना खाने वाले भी आएंगे, सब किस्म के आएंगे, सबको शिवरात्रि की मुबारक हो। हाँ जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखने आया था यहाँ पे, लंगर लगा हुआ है। अच्छा आप सुपरवाइजर बन के आए यहाँ पे कि काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? अच्छा क्या बात, सुपरवाइजर बन के आए। ये देखिए ये जो बांग के शौकीन है, पकौड़े खाने वाले शौकीन है, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा कैसा लग रहा है प्रसाद आपको? बढ़िया लग रहा है। बराती बन के आए हो? हाँ जी भैया, बराती बन के आए हो। तो ये देखिए बांग भी सर्व की जा रही है, जो लोग बांग के शौकीन हैं, और ये बांटने वाले भी मेरे अपने जान पहचान के हैं। बांग बांट रहे हो लोगों के बीच, बराती आए हैं बाबा जी के, कैसा लग रहा है? बरातियों की सेवा कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी सेवा करेंगे तो बाद में हम प्रसाद खाएंगे, और पहले हालत देखेंगे हम क्या है। अच्छा उसके बाद में उसी हिसाब से प्रसाद, मतलब क्वांटिटी कम करके दे रहे हो कि हाँ ठीक हो गया तो दोबारा से रिपीट करोगे? बिल्कुल। मैंने देखा गिलास भी बड़े छोटे छोटे से रखे आपने यहाँ पे ना, ये स्ट्रांग है जी बिल्कुल। अच्छा ये पकौड़े भी बिल्कुल स्ट्रांग है, हम लोगों को ये कहते हैं थोड़ा सा खा लो, उसके बाद में अगर अच्छा लगे आपको तो फिर ले लेना। अच्छा एकदम से लालच मत करना। ठीक है ठीक, मतलब कि बैलेंस में सब कुछ रखा हुआ आपको ना भैया? ज्यादा मत खा लेना, ज्यादा मत खा लेना है, कोई टेंशन नहीं है। बाबा का प्रसाद जम के खाओगे? जम के जय शंकर, जय शंकर। क्या बात है, यहाँ पर शादी उनकी होनी थी, वहाँ के लोगों ने भी जमकर स्वागत किया था बोले बाबा का, और आज यहाँ पर लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बांग के पकौड़े भी आपको खाने को मिलेंगे, आपको पूरी चना भी खाने को मिलेगा, क्योंकि बाबा की शादी में हर किस्म के व्यक्ति आए थे, देवता भी आए थे, भूत प्रेत भी आए थे, उन्होंने किसी को भी नाराज नहीं किया था। तो इसीलिए आज यहाँ पर अलग अलग तरह का यहाँ का लंगर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर ये बनाया गया है। पब्लिश के साथ धन्यवाद।